हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल बिगिनर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, रात में सूर्य कहाँ जाना है, कौन सी वो जगह है जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर और 9,29,60,000 मील है। पृथ्वी की सूर्य से इतनी अधिक दूरी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लग जाता है, और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। उसका व्यास कोई 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा हुआ। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और गतिहीन है। सूर्य कहीं नहीं जाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिस वजह से हम 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे सूर्य के सामने होते हैं और बचे हुए घंटे सूर्य के पीछे। जब हमें सूर्य नहीं दिखाई देता उसे रात कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक गेंद ले जिस पर एक जगह बिंदु बनाए पेन से। अब खुद को सूर्य माने बिंदु को अपने सामने रखे, इस अवस्था को दिन कहेंगे। अब गेंद को ऐसे घुमाएं कि वह बिंदु अब आपको न दिखे। अब आप यानी सूर्य उस बिंदु को नहीं देख पा रहे, तो उस बिंदु पर सूर्य यानी आपका प्रकाश नहीं पड़ रहा और वहां अंधेरा होगा। इस तरह आप यानी सूर्य अपनी जगह पर है, केवल पृथ्वी के घूमने के कारण हमें वह दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि धरती के ज्यादातर हिस्सों में लोगों का जीवन दिन व रात और 4 मौसमों के मुताबिक चलता है। वहीं अंटार्कटिका में सिर्फ सर्दी और गर्मी ही होती है। वहीं दिन के 24 घंटों के दौरान दिन या रात में किसी तरह का बदलाव भी नहीं होता है। ये हिस्सा पूरे 6 महीने अंधेरे में डूबा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के इस हिस्से में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर टेढ़ी होकर घूमना है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, इससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुंच जाएगी।